हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आमिर और हम आपको आज सिखाने वाला है ओवर साइज शर्ट कैसे कटिंग करते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आपको बिना स्किप करके देखना है। और इस वीडियो में हमने बताया शर्ट में इजिंग कितना दिया जाते हैं और शर्ट का स्टाइलिश कॉलर कैसे कटिंग होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें 1.25 इंच पर एक मार्कर लगा लेना होगा और उसी मार्के को कंटिन्यू नीचे तक लेके जाना होगा। अब इसको हम सीधा मार्क कर लेंगे और ये हम मेन शर्ट काट रहे हैं और हमारा जो क्लाइंट साइज़ है 40। वीडियो को ध्यान से देखना। तो कंधे डाउन करेंगे 1.25 इंच, 2 इंच डाउन करेंगे। हमारा क्लाइंट का मेजरमेंट 20.5 है और 20.5 करने के लिए हमें 8.5 इंच लेना पड़ेगा। हमारा शर्ट का जो बैग होते हैं वो बड़ा होते हैं और जो फ्रंट होते हैं वो छोटा होते हैं आर्मोल का साइड से, तो इसके लिए हम 1 इंच ऊपर ले लेंगे, तो 7.5 पे ले लेंगे हम। तो बैक 2 इंच ऊपर कंधे में बड़ा रहता है शर्ट पे, तो इसके लिए फ्रंट का आर्मोल कम काटे जाते हैं और बैक का ज़्यादा, तो इसको हम सीधा कर लेंगे। और अब हम वेस्ट का और हिप का मार्का लगा लेंगे, जैसे कि ऊपर से हम 1.5 इंच छोड़ के 16.5 पे मार्कर लगा लेंगे और 23.5 पे लगा लेंगे, तो इसको भी हम सीधा लाइन खींच लेंगे। और नीचे वाला मार्के से भी हम सीधा मार्का खींच लेंगे। नेक मापेंगे तो हमारा 40 साइज के हिसाब से इधर हो गया 3 और इधर से हो जाएगा 3.5। ये मार्क हम लगाएंगे। हमारा पीस ओवर साइज है तो शोल्डर बड़ा होगा। हमारा शोल्डर हम 22 इंच रखेंगे तो शोल्डर नीचे थोड़ा ड्रॉप करेगा। हम शर्ट को रेडी रखेंगे 44, तो 44 का चौथा हिस्सा हो गया 11 इंच। हम 11 इंच पे मार्का लगा लेंगे चेस्ट पे और प्लस साइड का मार्जिन। हमारा शर्ट का जो मेजरमेंट है हिप का 42 और हम 4 इंच इजिंग करेंगे तो हो गया 46, तो 46 हो गया, तो चौथा हिस्सा हो गया 11.5 इंच का। यहाँ से 11.5 इंच का मार्का लगाएंगे प्लस मार्जिन का मार्का आगे लगा लेंगे हम। और अब आते हैं हमारा बेस्ट का मेजरमेंट। बेस्ट हमारा 43 है तो 4 हिस्से में करेंगे तो 10.7 आएगा और प्लस मार्जिन लेंगे। अब हम लगा लेंगे फ्रंट क्रॉच का मार्का, तो 40 साइज के हिसाब से होते हैं 17 इंच। एक हम बेसिक मार्का लगा लेंगे जो 40 साइज का होते हैं, तो 40 साइज का बेसिक 18 इंच होते हैं, आगे से मार्जिन भी एक्स्ट्रा रखें सेब स्केल से। बहुत खूबसूरती से सेप लेंगे, जैसे बेस्ट तक मिलाएंगे, फिर स्केल को घुमा के बेस्ट से हिप तक लगा लेंगे। तो फिर हमारा शोल्डर का जो नॉर्मल मार्का है उसमें मिलाएंगे और जो आर्मल सेपर होते हैं उससे हम सेप बेसिक डाल देंगे पहले, क्योंकि ये बेसिक सेप होते हैं और इसको हम ओवरसाइज करने के लिए हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा इस टाइप से, तो पहले तो बेसिक सेप
कैसा दे रहे थे, तब जब भी आप लोगों को समझ में आएगा। तो बेसिक शेप होते हैं जैसे कि, तो इसी शेप से ओवर साइड जो जाते हैं शोल्डर, वो इस टाइप पे जाएगा। अब हमारा कंधे का मार्कर लगा लेंगे हम। अब हम नेक का कटिंग करेंगे, बहुत ध्यान से देखना है इसे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। डेढ़ इंच नीचे ड्रॉप करना, एक मार्कर लगाना, और ये जो मार्कर लगाया हो इससे आधा 300 का ऊपर एक मार्कर लगाना होगा। और इससे ये वाला मार्कर सीधा लगा देना हो। ये मार्क आप देख पा रहे हो, इसको भी सीधा मार्क कर लेना। इस पे नेपल बनाना है हमें। अब कॉलर जैसे कि आएगा यहाँ पे, ये तो रेडी है, तो यहाँ पे मार्जिन जाएगा 300 का, और कॉलर का जो अंदर ब्रांड होते हैं ब्रांड का चौड़ाई रहेगा 1 इंच से 100 एक्स्ट्रा। तो 1 इंच एक फुट एक्स्ट्रा से हमारा साइज के हिसाब से हम जो फाइनल नेक था उससे 5 इंच नीचे ले रहे, और जो 1 इंच का मार्कर लगाए थे उसमें से हम सीधा मार्क कर लेंगे। सेप को बहुत अच्छा से जैसे कि नेक का सेप होते हैं और हिसाब से मिला देंगे। आप हाथ से भी डाल सकते हो, अंगूठे से पर से भी डाल सकते हो, इससे मतलब 2.5 इंच 1 फुट हम तक लेंगे, और फिर उसको सेव स्केल से अच्छा से सेव कर देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, बहुत खूबसूरती से। ये हो गया हमारा नेपल। तो इधर ये 1 इंच छोड़ा हुआ है, तो इसमें हमारा 300 का मार्जिन है और बाकी बटन टेक है। तो इसमें सिर्फ ये जो मार्का है बस इसी में से फाइनल कटिंग हो जाएगा। और फिर लेंथ हमारा लेंथ का मेजरमेंट करेंगे हम, ऊपर से मार्जिन छोड़ के, और 28 है हमारा क्लाइंट का मेजरमेंट, तो हम 28.2 ले लें। इसको भी सीधा मार्का लगा लेंगे। अब जो आर्मोल डॉप करते हैं उसके लिए ये साइड जो है नीचे लटक जाते हैं, तो सीधा रखने के लिए इसमें हल्का सा सेप डालना पड़ता है ऊपर की तरफ, जो होगा 1/2 इंच का सेप। ये हो गया हमारा फ्रंट का मार्क कंप्लीट। बहुत अच्छा से काट करेंगे, जो मार्क हमने लगाया उसी मार्क से। यह हमारा नेपल का कटिंग हो गया। अब ये हमने फ्रंट कटिंग कर लिए। अब क्या होगा, ये वाला जो मार्का देख रहे हैं इसी मार्का से इसको फोल्ड कर लिया जाएगा। इसको सिलने के लिए इसमें मार्जिन ऑलरेडी हमने रख लिए 300 का, मशीन का एक पैर जो होते हैं एक पैर पे इसको सिलाई लगा लेना, इसका पीछे बैकिंग लगा के इसको पलट देना। 1 इंच नेपल के इस साइड में हमारा सिलाई रहेगा, और इसके बाद 1/2 इंच का ठोका रहेगा और यहाँ पे मार्जिन पे चला जाएगा। बैक कटिंग करने के लिए सेम स्टेप हम दोबारा करेंगे। सबसे पहले मार्क ऊपर से लगा लेंगे सीधा करके, कुछ इस तरीके से। अब उसके बाद जो हम डाउन किए थे 2 इंच से 2 फुट कम,
पौने दो इंच पे एक मार्कर कर लिए हमने, उसी मार्कर को भी सीधा कर लेना है। एंड में हमारा बीच एंड हाफ रखने के लिए तो हम 8.5 इंच पे हमारा मेजरमेंट आ रहे थे, तो हमने फ्रंट कटिंग करने के लिए फ्रंट में थोड़ा सा आर्मोल कम कर दिए थे 1 इंच, तब 8.5 से उसमें फ्रंट में कम कर दिए तो बैक में बढ़ा देंगे तो 9.5 हो जाएगा हमारा। तो 9.5 पे एक मार्का लगा देंगे हम। फ्रंट पे जो मार्का लगाया था उसमें मिला लेना है, जो फ्रंट का यहाँ से मिला सकते हो आप 8 इंच पे लगाए थे और एक मार्का 15 इंच पे, जो फ्रंट में मार्का आ रहा है उसी मार्के को यहाँ पे भी लगाना होगा आपको। तो इसको सीधा मार्का लगा लेना होगा और इसको भी सीधा मार्का लगा लेना होगा। शोल्डर का जो हमारा प्लान का शोल्डर था वो तो 18 था, लेकिन ये ओवर साइज होने की वजह से इसमें 22 इंच का शोल्डर कटा जाएगा। साइड से 3 इंच था तो फ्रंट पे लगाए थे मार्का शुरू में, वही मार्का यहाँ पे भी लगाएंगे और 1/2 इंच डाउन खूबसूरती से। अब इसको हम सीधा कर देंगे, जो शोल्डर का मार्का है, चेस्ट का मार्का था इसमें 44 रेडी था तो चौथा हिस्सा 11 और एक्स्ट्रा मार्जिन हिप हो गया हमारा 46, उसका चौथा हिस्सा हो गया 11.5 लगा लेंगे हम और एक्स्ट्रा मार्जिन का मार्का लगा लेंगे। और बेस्ट हमारा 43 रेडी रख रहे हम तो 10.7 और प्लस मार्जिन सेफ स्केल से बहुत खूबसूरती से मार्का लगा लेंगे। और स्केल को घुमा के हिप का नीचे से मार्का लगा लेंगे। अब उसको नीचे करना है तो इसको सीधा मार्का आप लगा सकते हो। फ्रंट क्रॉस पे मार्का जो लगाए थे वो 8.5 पे लगाए थे, इसमें हम 2 फुट एक्स्ट्रा कर लेंगे। हमारा शोल्डर का जो है 18 यहीं पे आना चाहिए था, बेसिक 13 पे ओवर साइज है तो आके जाएगा ये चीज। इसको बेसिक मेजरमेंट ये होते हैं, जो इस मेजरमेंट का हमारा जो मेजरमेंट है मार्का लगाने में आसानी होते है, उमर कैसे कितना दूरी पे जा रहे हो देखना होते है। और हम शोल्डर ड्रॉप करेंगे, ओवर साइज है तो कुछ इसमें से मिलके इस टाइप पे जाएगा जो हमारा मार्कर पे। अब इसको रख के हम नीचे का मार्कर भी सेम सेट में लगा देंगे। मार्जिन है नेक पे भी और कंधी पे भी और अर्मोल पे भी और साइड पे भी, और लोअर पूरा में मार्जिन है सिलने वाला तो एक्स्ट्रा काटने का और जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हम इसी मार्के पे कटिंग कर देंगे। ये हो गया हमारा बैक का कटिंग। बाजू कटिंग करने के लिए लगा लेना होगा और ये हमारा हाफ स्लीव होगा, मतलब हाफ बाजू, तो 5 इंच का डाउन कर लेंगे और हमारा 10 इंच का स्लीव रहेगा। इसको सीधा मार्का लगा के इसको सीधा कर लेंगे और नीचे का भी हम सीधा मार्का लगा लेंगे। अब हमारा आर्मोल के हिसाब से हम मार्का कर लेंगे। बेस एंड हाफ हमारा आर्मोल है तो इसके हिसाब से 1.6 पे मार्का लगेगा और एक मार्का 6.2 पे लगेगा और इसका मोहरी हो जाएगा 7.5 इंच पे एक मार्का लगेगा, 14.5 इंच रेडी हो जाएगा।
अब साइड से सेव स्केल से इसको मिला देंगे। अब आर्कुल सेपर से हम मार्का लगा रहे हैं, आपका पास आर्कुल सेपर नहीं है तो हाथ से भी ये मार्का लगा सकते हो। यहाँ से राउंड करके ये वाला मार्के पे मिलाना होगा खूबसूरती से, और आर्कुल सेपर है तो उसको उल्टा करके दूसरा मार्का लगा लेना होगा। ये हो गया हमारा फ्रंट का मार्का। अब बैक का लगाने के लिए इस मार्कर से 2 फुट पीछे कर लीजिए एक मार्कर, और सेम उसी तरीके से मार्कर करेंगे और इसको थोड़ा सा सीधा टाइप से मार्कर लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमें 3 फुट का फर्क हो गया, ये हमारा फ्रंट हो गया और ये हमारा बैक हो गया। बाहर वाला मार्कर से हम बैक काटेंगे और अंदर वाले से फ्रंट काटेंगे। अब इसको खोल के ये वाला मार्क, ये बैक का मार्क पे काट लिए इधर का, अब फ्रंट का हिसाब से फ्रंट वाला मार्क से बहुत अच्छे से राउंड करके काट लेंगे। ये हमारा स्लीव कटिंग हो गया, हमारा कॉलर कटिंग करना पड़ेगा। अरे बहुत इम्पोर्टेंट है कॉलर देखना, क्योंकि थोड़ा स्टाइलिश है कॉलर तो बेसिक से थोड़ा अलग हो। कॉलर कटिंग करने के लिए सबसे पहले एक सिंपल पेपर में एक सीधा मार्का लगाना होगा और उसी मार्के पे अब बैक का एरिया सारा मार्जिन छोड़ के जो फाइनल रेडी रहेगा उसको मेजरमेंट करना होगा। सबसे पहले तो ये हमारा आ रहे 4.25 इंच, तो बैक का और कोई काम नहीं है, बैक को हम हटा देते हैं। तो यहाँ से 4.25 इंच के एक मार्का यहाँ पे लगा देते हैं। जो सिलने वाला कंधे का जो मार्जिन होते हैं उसको माइनस करके इसमें बैठा देंगे जो बैक का आ रहे, और फिर इसको घुमा के इसी लाइन से इसको सीधा कर लेंगे। इसको हमने बहुत अच्छा से इसको भी मार्कर लगा लिए। ये हमारा फ्रंट का मार्कर हो गया। अब इससे हम एक पैर आगे करके एक मार्कर और लगा लेंगे जो हमारा मार्जिन होगा। पीछे जो कॉलर रहेगा वो 1.25 इंच रहेगा, तो इस जो सीधा लाइन का नीचे वाला 1 इंच 1 फुट रहेगा जो पहले हमने स्टन रखे थे, और जो राउंड वाला ये वाला मार्का है एक पैर का आगे का जो मार्का लगाए थे हमने उसी मार्का को सीधा करके इसको मिलाना होगा, इसको एक बार काट कर लेना होगा सबको इसी मार्के से। हमारा फ्रंट का जो कंधे का मार्जिन माइनस करेंगे, स्टिचिंग का जो मार्जिन होते हैं उसको माइनस करके, और ये जो पहले जो मार्का लगाए थे उसको मिलाने का बाद और ये सीधा करने का बाद सीधा मार्का मिलाना बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज, इसको स्किप मत करना। और फोटो में आप देख सकते हो इस तरीके से इसको फोल्ड करके ये वाला जो है यहाँ पे स्टिचिंग हो जाएगा इसमें। तो इसको भी काट लेना होगा। और उसको काटने का बाद हम उनको हटा देंगे। अब हमने कॉलर का रखे थे 1.25 इंच और ये जो मार्जिन छोड़ के यहाँ से 1.5 इंच से 1 फुट कम,
अब हम इसको क्या करेंगे, इसको सेफ स्किल से बहुत खूबसूरती से मिला देंगे हमारा कॉलर। खोल के तो अपने से कुछ इस टाइप तरीके का सीधा वाला साइड कुछ ऐसा आएगा कॉलर हमारा। कॉलर का सेप देख सकते हो, बहुत अच्छा सेप सकल के साथ इसको करना पड़ता है।